एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मी जोंग मिस्टर गु से पूछती है, तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला। मिस्टर गु कहता है, मैं तुम्हारे घर गया था। वो पूछती है, कब? वो कहता है, कुछ दिन पहले। वो पूछती है, अचानक क्यों? वो कहता है, बस इसीलिए। वो कहती है, तुमने सुना होगा कि मेरी माँ का निधन हो गया। वो कहता है, हाँ। वो कहती है, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मी जोंग मिस्टर गु की तरफ देखने लगती है। वो कहता है, इस तरह से क्यों देख रही हो? वो कहती है, ये अजीब है, आखिर ये दिन आ ही गया। पहले मैं सोचती थी हम फिर कब मिलेंगे और कैसे, क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे। जब मैं सच में ये सोचती थी तो मैंने तुमसे ही कभी नहीं सुना, और जब मुझे कम से कम इसकी उम्मीद थी तब तुम नहीं थे। वो कहता है, तुम क्या कर रही थी? वो मजाक में कहती है, लड़ाई की तैयारी। मैं आज पूरे गुस्से को बाहर लाने के लिए तैयार थी। फिर वो पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? वो पूछता है, क्या हम किसी कैफ़े में जाएँ? वो कहती है, चलो चलते हैं। फिर रात होती है और मिस्टर गु और मी जोंग एक शूज़ की दुकान पर होते हैं। वहाँ मिस्टर गु मी जोंग के लिए जूते खरीदता है। फिर वो एक दुकान से मी जोंग के लिए ऊनी ग्लव्स लेता है। और इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी मिस्टर गु को सैमसंग का फ़ोन आता है। फिर मिस्टर गु जब उस फ़ोन को उठाता है तो वो सैमसंग से कहता है, तुम मुझे संडे को क्यों बुला रहे हो? सैमसंग कहता है, आज सैटरडे है। मिस्टर गु ये सुनकर हैरान होता है। मी जोंग भी कहती है, आज सैटरडे है। फिर मिस्टर गु को अफसोस होता है। मिस्टर गु कहता है, मैं समझ गया, मैं तुमको वापस बुलाता हूँ। मिस्टर गु कहता है, मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम मेरे इंतजार करना। उसके बाद मिस्टर गु टैक्सी लेकर होटल की तरफ जाता है और वहाँ वो फाइल में पैसों का हिसाब देखता है। फिर वहाँ से वो बाहर आता है सैमसंग के साथ, और गाड़ी में बैठकर जब वो जाने लगते हैं तब बीच में ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस जाती है। फिर मिस्टर गु और सैमसंग वहाँ से पैदल ही भागने लगते हैं। फिर मिस्टर गु जब एक दूसरे होटल में जाता है तो वो एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि नाइट क्लब मेंबर के सर पे एक लड़की ने बोतल से वार किया, जिससे उस लड़के के सर से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये लड़की वो थी जिससे कुछ दिनों पहले मिस्टर गु ने जबरन पैसे मांगे थे। फिर वो लड़की कांच के बोतल के टुकड़े से जैसे ही मिस्टर गु पर हमला करने की कोशिश करती है, मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मिस्टर गु के चेहरे पर एक खरोंच लग जाती है। फिर मिस्टर गु उस नाइट क्लब के बॉस के पास जाता है। वो मिस्टर गु से कहता है, वो शाम से शराब पी रही थी और चिल्ला रही थी, उसे निकाल दिया गया। मिस्टर गु वहाँ देखता है कि टेबल पर कुछ रुपए रखे हुए थे। उसका दोस्त कहता है, मुझे पता था कि वो परेशानी खड़ी करेगी। फिर मिस्टर गु अपने चेहरे को वहाँ लगे आईने पर देखता है कि उसके चेहरे पर खरोंच आ गई है। फिर मिस्टर गु को गुस्सा आता है और उस लड़की के पास जाता है और उसे पकड़ता है और उससे कहता है, तुमने अपना नंबर बदल दिया और हमें तुम्हारा पीछा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन तुम परेशान हुई क्योंकि हम तुम्हारी काम वाली जगह पर आ गए। क्या मुझे तुम्हारे पास जाकर धीरे से पूछना चाहिए था कि प्लीज़ अपने रुपए चुका दो? जब तुम शुरू से ही ऐसे थी तो मुझे तुम्हारा सम्मान क्यों करना चाहिए? फिर वो लड़की चुप हो जाती है सुनकर। इसके बाद मिस्टर गु उस क्लब के बॉस के ऑफिस को चेक करने लगता है और सामान बिखरने लगता है। उसका दोस्त कहता है, सच में कल इतने कस्टमर नहीं थे, मैं कसम खा के कहता हूँ, चाहो तो सीसीटीवी फुटेज देख लो। इसके बाद मिस्टर गु वहाँ रखे सोफे को पलटता है और उसे तोड़ता है 20 से। तब वो देखता है कि उसमें कुछ रुपए उसके दोस्त ने छुपाए हुए होते हैं। मिस्टर गु पूछता है, क्यों पूरी रात ताश खेलने के लिए? उसका दोस्त कहता है, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन जुए के लिए जो मैंने पैसे लिए थे, अगर मैंने आज उन्हें वो पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे मार डालेंगे। इसके बाद मिस्टर गु हिसाब किताब करने के लिए चेयरमैन के साथ बैठता है। इसके बाद मिस्टर गु कार में रेस्टोरेंट के बाहर होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या उसे मी जोंग से मिलना चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे पर निशान पड़ चुका था। फिर वो हिम्मत करके मी जोंग से मिल लेता है। मी जोंग वो निशान देखकर हैरान होती है। मिस्टर गु कहता है, ये बस एक पेंट है। वो कहती है, तुम एक अलग आदमी के रूप में वापस आई हो सिर्फ 1.5 घंटे में। वो कहता है, ये लाइफ है, बस जब आपको लगे कि अच्छा चल रहा है। मेरे पास कभी भी एक परफेक्ट दिन नहीं था। वो कहती है, दिन में 5 मिनट, अगर तुम्हारे पास 5 मिनट की शांति है तो ये अच्छा है। इसके बाद दोनों जब रोड पर चल रहे होते हैं तब बहुत सी बर्फ़ पड़ने लगती है। वही दूसरी तरफ दिखता है चांग ही सियोल में दुकान पर होता है और वो बुक्स पढ़ रहा होता है। वही दूसरी तरफ मी जोंग और मिस्टर गु घर पर आते हैं, यानी मिस्टर गु के घर पर। फिर रात को मी जोंग मिस्टर गु के साथ सो जाती है। फिर अगली सुबह मी जोंग से पूछती है, तुम्हें क्या मिला बाहर रहकर, क्या तुम किसी को देख रही हो? मी जोंग पूछती है, क्या तुम चर्च नहीं गई? वो कहती, नहीं। वही दूसरी तरफ दिखता है कि तायुन अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाता है। तायुन की बेटी यूरिम कहती है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि वो परेशान क्यों है। वहीं दूसरी तरफ घर पर मी जोंग किसी से बात कर रही होती है और वो फ़ोन पर कह रही होती है, मैंने बच्चे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए एक दिन की छुट्टी ली, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों
उन फ़ोटोज़ में रहूँगी। उसने कहा मेरे जैसे किसी को उसके साथ फ़ोटो में नहीं होना चाहिए उसके ग्रेजुएशन डे पर, क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि ये औरत कौन है, फिर वो कहेगी कोई ऐसी औरत जिसने मेरे डैड को डेट किया। गीजों कहती है मेरा मतलब है वो ऐसा कैसे कह सकती है। वहीं चर्च में क्योंग सियोन कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा, उसे उसकी जगह जानने के लिए कहो, ग्रेजुएशन डे पर सिर्फ उसकी फैमिली होनी चाहिए, जब तुम सिर्फ डेटिंग कर रहे हो तो वो क्यों होगी। हुई सियोन कहती है लेकिन वो सिर्फ डेटिंग नहीं कर रहे हैं, वो शादी करने जा रहे हैं। क्योंग सियोन कहती है फिर जब वो शादी कर लें तो उन्हें शामिल होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। उसे अभी भी अचानक अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखना चाहिए था, और वो ये कहते चली गई मैं भूल गई थी मेरे प्लान थे, वो सच में झूठ बोल रही थी, वो ये दिखा रही थी कि वो परेशान थी। ये पहली बार नहीं था जब मैंने अपनी आवाज़ थोड़ा उठाई तो उसने कहा कि वो भूल गई कि उसके और प्लान है। वो हर बार अपने प्लान्स क्यों भूल जाती है, उसे हमेशा दिखाना होता है कि वो परेशान है। तायुन पूछता है क्या वो तब तुमसे बहस करने वाली है। वहीं बाहर जाकर तायुन गोंग चाउन से कहता है ये पहली बार नहीं है जब तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है, लेकिन तुमने कभी भी उससे ठीक से माफ़ी नहीं मांगी। गोंग सेंग कहती है क्या तुमको लगता है कि मैं इसे बिना कारण के करती हूँ, ये यूरिम की खातिर है। फिर तायुन गाड़ी पर बैठ जाता है और यूरिम गाड़ी से उतरकर गोंग सेंग के पीछे चले आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिजोंग के डैड मिजोंग को फ़ोन करके मिस्टर गू के बारे में बताते हैं कि मिस्टर गू आया था और उसने तुम्हारा नंबर मांगा। मिजोंग कहती है मैंने उससे बात कर ली थी और मैं उससे मिली थी। फ़ोन को काटने के बाद गीजोंग मिजोंग से पूछती है तुम किससे मिली थी। वहीं चांगी अपने रूम में जाता है और पर्दों को बंद कर देता है और फिर सो जाता है। इसके बाद मिजोंग काम पर चले जाती है और अब वो किसी और कंपनी के लिए काम करती थी जो कंपनी कार्ड बनाती थी। फिर रात को मिजोंग काम से आने के बाद अपनी फ्रेंड बोराम से मिलती है, फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोंग की बहन अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और वो कहती है मुझे उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत चुप और उदास दिखती है, लेकिन वो अचानक अपराधी कैसे बन सकती है, उम्र बढ़ने के साथ वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, वो वैसे भी अपराधी बन गई है। जब वो बात करती है तो मुझे डर लगता है और मैं अकलाने लगती हूँ। यहाँ पर वो यूरिम के बारे में बात कर रही होती है और वो आगे कहती है मुझे बिलीव नहीं है कि मैं किसी ऐसे बच्चे के साथ रह सकती हूँ, लेकिन मैं उसे उसकी मौसी के पास भी नहीं छोड़ सकती और अकेले तायुन के साथ नहीं रह सकती। अगर वो 20 साल की होती है तो शायद हम तब शादी के लिए राजी होंगे, लेकिन उस वक्त मैं 50 साल की हो जाऊंगी। और ये सोचकर गीजोंग परेशान हो रही होती है। इसके बाद गीजोंग जब एक शॉप पर होती है तब वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट की मशीन देखती है और तभी वहाँ यूरिम अपने दोस्तों के साथ आती है और वो गीजोंग को वहाँ देखती है और गीजोंग के हाथ पे प्रेगनेंसी टेस्ट मशीन देखती है। गीजोंग पूछती है क्या तुमने अपनी अकेडमी फिनिश की है। गीजोंग कहती है ये मशीन कुछ नहीं है, अगर मैं इनमें से एक खरीदती हूँ तो मेरे पीरियड हमेशा शुरू होंगे, इसलिए मैं हर बार अपना पैसा बर्बाद करती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं। फिर यूरिम वहाँ के दुकानदार के पास जाती है और कहती है सौरभ ने अभी अभी अपनी जेब में प्रेगनेंसी टेस्ट डाला है। फिर वो दुकानदार गीजोंग को देखती है, गीजोंग कहती है मैं इसका पेमेंट कर दूँगी। वहीं अगले दिन चांगी बुक रिटर्न करने के लिए सुबह साइकिल पर निकलता है। इसके बाद जब वो अपनी दुकान पर आता है तब वो देखता है कि उसका दोस्त मिन गियो आया है। इसके बाद उसका दोस्त कहता है मैं खुश हूँ तुमने अपना लोन चुका दिया, मैंने अभी भी छोड़ दिया होता है लेकिन तुमने इसे कैसे रखा। चांगी कहता है ये करो या मरो का मामला था। वहीं दूसरी तरफ हुई सियोन वो तायुन को ये बात बता देती है कि यूरिम ने उससे कहा कि जियोन एक दुकान पर प्रेगनेंसी टेस्ट मशीन देख रहे थे। हुई सियोन कहती है मुझे लगता है तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद तायुन गीजियोंग को मैसेज करके रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर गू घर पर होता है और वो ठंड से ठुठुर रहा होता है। फिर रात को मिजोंग और मिस्टर गू बाहर कुछ खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीजियोंग तायुन के साथ जब कार पर होती है तब वो खूब संतरे खा रही होती है। गीजियोंग कहती है शादी के 7 साल बाद मेरी दोस्त विधवा हो गई, लेकिन जब वो शादीशुदा थी वो कहती है कि उसका आधा दिमाग हमेशा खाना बनाने के लिए सोच रहा था। हमारे पास फ्रिज में क्या है, हमें सब्जियां ख़राब होने से पहले खाने की ज़रूरत है, मुझे पता है उसका क्या मतलब है। माँ के जाने के बाद मैंने हमेशा सोचा कि पिताजी को खिलाओ, ओवर टाइम करने के बाद मैं थककर नींद में घर जाती थी। तायुन कहता है तुम धीरे धीरे खाओ तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। वो कहती है ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं उस दिन ज़्यादा खाती हूँ जब मेरे पीरियड शुरू होते हैं। तायुन ने सुनकर हैरान होता है, वो कहता है तुम पीरियड पर हो, थैंक गॉड मैंने सोचा। तभी गीजोंग हैरान होकर कहती है तुमने सोचा था कि मैं प्रेग्नेंट थी, और वो हंसने लगती है और तायुन माफ़ी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू और मिजोंग घर पर होते हैं और मिस्टर गू मिजोंग से अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो दोनों साथ में हीटर के सामने सो जाते हैं।
वहीं अगले दिन दिखता है कि चांग ही जियोन के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने जियोन के साथ ब्रेकअप किया था और जियोन चांग ही से तंग आ गई थी। फिर चांग ही जियोन को छोड़कर चला गया था। फिर चांग ही ये सोचकर रास्ते में रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।